यूपी के गाजियाबाद में शिवानी नाम की महिला ने अपने घर में जान दे दी। शिवानी नोएडा स्थित एक्सिस बैंक में काम करती थी। बताया जाता है कि शिवानी 6 महीने से अपने सहकर्मियों की प्रताड़ना की शिकायत कर रही थी। अपने सीनियर को शिकायत भी की, लेकिन बदले में शिवानी को ही टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया। परेशान होकर शिवानी ने जान दे दी। परिवार का कहना है कि शिवानी 6 महीने से अकेले ही सब कुछ सहन कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर पर कोई परेशान हो। जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा, तब उसने अपने साथ हो रहे उत्पीड़न के बारे में घर पर बताया। तो हर बात पे टोंटी करना, उसके चलने पे, उसके ड्रेसिंग सेंस पे, तो सूट सलवार पहनती है, गवार है, बंदरिया है, ये तो डिवोर्सी जैसी रहती है। उल्टा सीधा बोलना, ये तो कहीं बाहर नहीं जाती, से दिन दुनिया का पता नहीं है, गवार है, गांव की है, तो इसे तो ये हमारे बीच में आके बैठ जाती है, पता नहीं कस्टमर से कैसे बात करती होगी। रिज़ाइन एन नंबर ऑफ टाइम पहले दे चुकी है, उसका रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, और जो वहाँ पे हैं उसके SM, उन्होंने भी उसके रिज़ाइन को रिजेक्ट किया है, और इससे पहले भी वो 2-3 times रिज़ाइन दे चुकी है, लेकिन उसका पोर्टल ओपन करवा के फोर्सफुली उसका रिज़ाइन विथड्रॉ करवा दिया जाता था, जिसमें एक टाइम पीरियड होता है कि 45 और 60 days जो भी है, कि उसके बाद अंदर आप रिज़ाइन नहीं डाल सकते हो, ताकि उसका टाइम पीरियड बढ़ता रहे। बॉडी शेमिंग को लेकर के जो अभी प्रथम दृष्टया मामला सामने आया है, वो बॉडी शेमिंग को लेकर के जो उसको प्रताड़ना दी जा रही थी, जिसके नाते वो परेशान थे। सर, सुसाइड नोट मिला है? हाँ, सुसाइड नोट मिला है, और सुसाइड नोट में जो भी तथ्य उसमें अंकित हैं, उसके विरुद्ध उसमें हम लोग साक्ष्य संकलित कर रहे हैं। सर, कितने लोग हैं जिन पर FIR दर्ज? 3 व्यक्ति नामजद है, 1 अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात है।